From one generation to another generation, na? There are not many of films like Company, Once Upon a Time in Mumbai. Yeah? You have to look at the camera, get used to it. Yeah, okay. So there are so many movies in the succession, but the presentation is very new of this thing. Main wahan jaati hu, fir aap mujhe dekh loge. Theek hai, okay. So iska presentation alag hai, rather than packaging and presentation is different, rather than story. Story, I think, they have heard many times. This one. And why this name? Who chose this name? Azam, yeah, I only chose. It means king. It is all about how one becomes a king. So Azam means a king, a leader. That is what Azam means. आप जब भी stories लिखते हैं और direct करते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि Don बोलेगा कि मेरे बारे में नहीं लिखा तुमने भाई किसी और के बारे में बता दिया picture. बोलते हैं मेरे को मेरे colleague लोग के ऐसा बहुत मत कोई bell मार के बोलेगा कि उसने भेजा है कि मेरे. Is this based on a real incident? No, it is not based on a real incident, but this kind of thing doesn't happen in Mumbai. How are you aware of this? मुझे तो नहीं दिखता लोखंडवाला में कोई भी ऐसा डॉन बनता हुआ. तो what did you pick and what all places from Bombay did you notice कि आपको लगा कि आप डॉन की कहानी ऐसे माफियास की कहानी उन दर्शकों को दिखाओ जो यूपी में है, ग्वालियर में है, बिहार में है, कर्नाटका में है. मैम लोखंडवाले में नहीं लगेगा, but if you go to मोहम्मद अली रोड आज की डेट में भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था. सो देर आर उसके जो व्हाट यू कॉल डिवाइसेस, उसके जो फील है मोहम्मद अली रोड, आप वहाँ पे जाओ आज भी यू फील द सेम कि देर इज नथिंग, कुछ ज्यादा बदला नहीं है. मैं ऐसे जा सकती हूँ? हाँ ऐसे जा सकते. Thank you very much. Is there anything else you want to say about the especially Jimmy sir and Abhimanyu ji and Indranil ji had worked very well. And most all great goes to Shravan Bhai also for this movie. How were you approached for this film? Jab agar aap pehli baar produce kar rahe hain to. Actually, we liked the story, so just we wanted to produce this movie. तो आपके अंदर भी एक बैड बॉय है जो दुनिया को एक बैड बॉय की कहानी बताना चाह रहा है कि ये माफिया, ये डॉन की पिक्चर है ना, मैंने प्रोड्यूस किया.
That's the kick that you're getting, or you like Bollywood in general? Yeah, we like Bollywood in general, and grey shade movie we like a lot, so that's why. You know ki zindagi mein kuch black or white nahi hai, sab grey hai, to sab grey mein hi banate hain. Yeah, definitely. Thank you so very much. How Thank has you. Your interaction going to become the intense boy now, man? I may say. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आप जो है मेरे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर को ऐसे हड़का रहे हो आज, मतलब यहाँ पे आपने उनकी उनकी हालत खराब कर दी है. जस्ट बिकॉज इज दैट फर्स्ट फिल्म डजंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली. वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है, वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है. क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है बस बस ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है. 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं. बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं इस फिल्म को लेके. ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय अनोल, कहाँ भैया हाथ खड़े करो. सो हाँ देर इज, तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फोन किया होगा, तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं. तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी. वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो कड़ाक से उसने सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया. जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी है, मैंने कहा कि भूत की पिक्चर बना रहे हैं. तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें मैं लगा हुआ, तो खुद भूत बन गया था मैं. तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी. चलो वो कहानी वहाँ खत्म हो गई. उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती है, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है, देवनागरी में. और मेरा ये था कि यार ये क्या है, और मैंने ऐसे उसको पढ़ना शुरू किया और मैं 2 घंटे तक लगा रहा उसको पढ़ता रहा. काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फ़ोन किया. मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है. तो बोले इनको तो हमने ना कर दी थी, बोला ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है. मैंने कहा बॉस उसको फ़ोन लगाओ, कौन है वो आदमी, ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है. और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस. ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके. और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो हैं वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे अब जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है. तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ. और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई, हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25-30 रात इस फिल्म को. कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद द स्टोरी लाइक दिस. आई थिंक ऐसी कहानियां जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे. अब डॉन की पिक्चर है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ता है. थैंक यू जिमी, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट अभिमन्यु पिक्चर बनी है टू जॉइन अस. थैंक यू. हेलो एवरीवन. सो यू आर As Jimmy told me that you were planning to do a special appearance, so ये special appearance main role तक बनते बनते उसमें आपका कितना हाथ था और आपको क्या लगा कि थोड़ा और special कर देते, मसाला और डाल देते? नहीं, frankly speaking, Jimmy ने बोला वो सही है because मेरे days कुछ कम लिए जाने वाले थे. तो मुझे लगा इतने कम दिन में shooting कर रहा हूँ तो यार role तो बहुत जबरदस्त है, धमाकेदार है, तो ठीक है अगर special appearance देंगे तो करूंगा. तो वो तुरंत तैयार हो गए. जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है. और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने. जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको. मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस
तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहां पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया, प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, अक्नॉलेज किया कि स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। सो सिंस यू स्पोक अबाउट हाउ द फिल्म वॉज शॉर्ट, तो आपके डायलॉग्स क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों एज एक्टर डायरेक्टर व्हाट वॉज योर इक्वेशन ऑन सेट? एक्टर एक्टर्स ऑब्वियसली सेम फ्रेटर्निटी के हैं सो द बॉन्डिंग इज डिफरेंट, बट नो I always believe in the fact that the day I come in front of the director, I have to trust him, and I always do that. Be it a first timer or a very experienced director, मैं उनको same तरह से importance देता हूँ, because मुझे as an actor लगता है कि अगर मैं ज़्यादा interfere करूँगा तो हर फिल्म में मैं same दिखूँगा, same रहूँगा। तो किसी भी director का feedback लेना इसलिए मेरे लिए बहुत important होता है, because director आपको एक अलग नजरिए से देखता है। जैसे इस फिल्म में जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अंडरवर्ल्ड का लड़का है और वहीं पे अपब्रिंगिंग हुई है, समहाउ जैसा लुक डिजाइन किया गया तो वो डायरेक्टर ही लेके आता है। मैं पूरा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर को दूंगा। सो वी हैव सीन यू इन डिफरेंट रोल्स, नेगेटिव एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट ग्रेज, तो इस पिक्चर में वैसे तो आप एक डॉन के बेटे हैं बट आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ग्रे हैं? इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब लोग ग्रे हैं। इस फिल्म की एक खास बात है कि इसमें कोई ब्लैक या व्हाइट नहीं है, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और अपनी जगह सब सही हैं। और जैसा डायरेक्टर ने नाम रखा है आजम, हर किसी को आजम बनना है और हर किसी के दिमाग में एक गेम चल रहा है और हर कोई बुरा है। हर कोई बुरा है। कैन आई रिक्वेस्ट द थर्ड पिलर ऑफ द फिल्म हु इज प्लेइंग अ गुड कॉप इन बैड सिचुएशंस, इंद्रनील सेन गुप्ता टू जॉइन अस ऑन स्टेज प्लीज। भेजा है स्क्रीन प्ले या यू न्यू दैट व्हाट प्लॉटिंग एंड प्लानिंग इज गोइंग थ्रू एंड यू एडेड योर विजन ऑफ अ कॉप टू अ फिल्म? नो, विजन इज कंप्लीटली श्रवण जीज। ओके, एंड जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कैरेक्टर, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है, आई हैव प्लेड कॉप्स इन इवन इन बंगाली फिल्म्स एंड इवन इन हिंदी वर्क, नॉट नेसेसरीली फिल्म्स, बट इसमें काफी डिफरेंट है कॉप। और ये जो अभी अभिमन्यु बता रहा था कि ग्रे हैं सब, आई थिंक रियल लाइफ में सभी ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक या व्हाइट नहीं होता। इफ आई एम गुड टू समवन आई माइट बी बैड टू समवन एल्स, सो एवरीवन इज ग्रे एंड दैट्स व्हाई ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक श्रवण जी एंड मिस्टर पटेल कि मुझे मौका दिया है ऐसा रोल प्ले करने का। एंड आई फील व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी, जो स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच में काम कर रहा हूँ। जिमी अभिमन्यु तो है ही, साथ में रजा मुराद जी हैं, सयाजी शिंदे जी हैं, वो भी नामदेव जी हैं। सो मुझे लगा चलो ठीक है, इनके कंधे पे रख के मतलब गोली चला ही सकते हैं, ठीक है। सो आई वाज लाइक ओके आई एम इन सेफ कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। एंड हु वाज योर रेफरेंस, व्हिच कॉप वाज योर रेफरेंस, फिल्मों के कॉप वाज योर रेफरेंस या रियल लाइफ में आप मुंबई पुलिस से मिले या कहीं किसी कॉप से मिले जो आपके जहन में आए, बिकॉज एक रेफरेंस तो दिमाग में होता है। नो एक्चुअली ये मतलब दिस इज थिंग अबाउट मी दैट आई डू नॉट लाइक रेफरेंसिंग एंड आई डू नॉट लाइक आई नेवर लाइक रेफरेंसिंग। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरीके से करूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई बी मोर ऑनेस्ट टू इट इफ आई ट्राई एंड डू इट माई वे, स्टिकिंग टू द स्क्रिप्ट एंड स्टिकिंग टू द विजन ऑफ द डायरेक्टर। सो मैंने वही कोशिश करी है, आई नेवर ट्राई टू कि और कोई बड़े कॉप्स का कुछ देखूँ या उनके बारे में पढ़ूँ, ऐसा नहीं किया। आई जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट और श्रवण जी ने जैसा मुझे गाइड किया या मेरी तरफ से मैं जितना दे पाया बस उतनी ही कोशिश करी है मैंने। सो आई हैव ऑलवेज अप्रोच्ड कैरेक्टर्स लाइक दैट। एंड द सेम क्वेश्चन फॉर जिमी एंड अभिमन्यु आल्सो, दैट हु वर योर रेफरेंस पॉइंट्स और समबडी इधर रियल लाइफ और फिक्शन?
No, I think I was told right in the beginning that we are not going to take from anything which has come before. Even the language, if you see, it's very precise. It's not going too much into that karinga, kalinga and all that, whatever, how we try to portray the whole thing. It's got a kind of a stature to it in terms of the dialogues, in terms of the characters and everything like that. So we were told in the beginning only not to get into all that. That question had come up before we started shooting. I did have a word with him. So he said, no, we'll stick to this. So that is, I think, what sets this particular story apart from the other ones. Yeah. Abhimanyu. I also didn't take any reference from anywhere. तो पर ये था कि जब मैं वहाँ बैठा, राजा साहब मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, आसपास ऐसे दिग्गज एक्टर हैं जैसा इंद्रनील ने बोला, तो अपने आप एक बॉडी लैंग्वेज और जैसे डायलॉग्स थे लिखे हुए, जैसी सिचुएशन थी, तो कुछ खास मुश्किल तो नहीं हुई, पर हम सब ने काफ़ी रियल इसको करने का कोशिश किया. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ड्रामेटिक हमने ट्राई किया, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक्टिंग हो ही नहीं रही है, आप कुछ रियल देख रहे हो, इसीलिए शायद ये ऐसी दुनिया क्रिएट हो पा रही है. एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा जो आई थिंक यहाँ पे स्किप हो रहा है, वो ये है कि आई थिंक बाकी चीजों का मुझे पता नहीं है, हर फिल्म अपना फेट लेके आती है, कल उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, बट डेफिनेटली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज के लिए ये एक स्टडी बनने वाली है फिल्म. ये 100% मैं बोल सकता हूँ. दैट इज द क्रेडिट दैट गोज टू शबनी. इज आई थिंक दैट स्क्रीन प्ले द वे इट गोज दैट विल बिकम अ केस स्टडी लेटर ऑन. 100% आई एम 100% श्योर अबाउट इट. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसा जिस लेयरिंग पे काम किया है डायरेक्टर ने, जैसे प्याज की परत होती है, एक परत उतरी तो उसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, कुछ मिलता नहीं है फाइनली आपको. तो ऐसा कुछ क्रिएट किया है, एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो मेरे लिए शॉकिंग था, जैसा मैंने शुरुआत में कहा. तो प्लीज, एक्चुअली ऐसा है, इफ यू कांट डू द ग्रेट थिंग्स ना, देन डू द स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वेज. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो ऑल क्रेडिट गोज टू श्रवण जी एंड आजम जी. थैंक यू. देखिए 10 मिनट में कायम हो गए. The floor is open to the media to ask. आपका हो रहा ही ऐसा ऐसा. हेलो. सर जो गैंगस्टर, अगर आप रियल लाइफ में देखें सर, मे बी इटालियन हो या कोई कहां भी गैंगस्टर हो, तो सर वो क्लोज सर्किट में काम करते हैं. आप और सर आप ज्यादातर देखिएगा सर, गैंगस्टर की जो डेथ होती है उसका जो कारण होता है ना, बहुत नजदीक वाला ही होता है. या तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या तो उसने कुछ किया है. सो सर इट इज सर अभी ये एकदम मुझे आसानी से बताना मुझे तकलीफ हो रही है, बट दिस इज समथिंग लाइक शेक्सपियर काइंड ऑफ अ थिंग. शेक्सपियर में कैसे था कि उसकी वाइफ ही उसको बोलती है मेरे हस्बैंड को तो मार दे, है ना, ओथेलो एंड दैट. तो सर रिलेशनशिप की और गैंगस्टर की एक वो होती है सर कि उनका एक अलग लेवल पे होता है, एंड मोस्टली दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ देयर नियर डियर वंस. कोई दूर का आके उनको नहीं मारता सर, हमेशा नजदीक का ही मारता है. एंड इट इज ऑलवेज फैक्ट है और ड्रामेटिकल भी है सर. इट इज हाउ इट वर्क्स आई सपोज. मेरा अगला सवाल जिमी सर से है. सर आपको रोमांस करते हुए रोमांटिक चॉकलेट बॉय के रोल पे लोगों ने काफी पसंद किया. ऑनेस्टली कहना चाहूंगा फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए. बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है ट्रेलर. आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ कहानियां, कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको स्क्रीन प्ले पे फ्लो करना पड़ता है. आप ये नहीं सोचते कि अभी ये मेरे पास ये सीन है, ये शॉट है, इसके अंदर मैं अभी फैल के परफॉर्म करूं, ये करूं, ये करूं, मैं लोटा लेके आया हूं, उसके भर भर के एक्टिंग करूं, वो सब कुछ फिल्मों में नहीं कर सकते. यू हैव टू गो विद द डायलॉग. जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अपना वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि कुर्सी पर बैठना है, ये धंधा करना है तो दोस्तों को मारना सीख ले भाई, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है उस कैरेक्टर. दूसरा जो कैरेक्टर है वो शायद किसी चीज से कन्विंस नहीं है. अब ये दूसरा आदमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस ये सीख ले, अभी तू करना है ये सब, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है. तो उस तरीके से यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स. ऑल्सो यू हैव टू गो विद द स्क्रीन प्ले. यू हैव टू इट. हर थ्रिलर में, इन सब में देखा होगा, कुछ अंडरडॉग आप दिखाते हो कि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते, अरे बाप रे ये आदमी ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, एंड ऑल द व्हाटएवर. सो
बहुत सारी ऐसी फिल्में स्पेशली थ्रिलर ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन प्ले के साथ और डायरेक्टर के साथ चल के जाना पड़ता है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जिमी सर दिस सर जी फ्रंट फ्रंट यहाँ देखिए सर. सर प्रभात फ्रॉम फिल्मिंग. सर जानना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में मतलब हर फील्ड में लोग अचीवर्स हैं तो फिल्म का मीडियम हो या न्यूज मीडियम हो आज के जमाने में ज्यादा ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को. तो थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लगता है ये चीज आपको? इलॉजिकल लगता है बेसिकली क्योंकि हर कैटेगरी के लोग फिल्म देखते हैं, हर एज के लोग फिल्म देखते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस फिल्म की प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राइज ऑफ डॉन है या ये है या वो है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे कि क्या आप अपनी कहानी अपने दिमाग के अंदर गढ़ रहे हैं उसको लेके कि वही जो न्यूज पे दिखाया जा रहा है वैसा हो रहा है. ये एक्चुअली एक रेस अगेंस्ट टाइम पिक्चर है. ये एक रात के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर सिस्टम भी है, जिसके अंदर पुलिस भी अपना जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है और कुछ चीजों को रोक नहीं पा रही है. तो आप वैसी कहानी देखने जा रहे हैं विच इज रेस अगेंस्ट टाइम. तो जब आप निकलेंगे तो आप ये नहीं सोच के निकलेंगे अरे ये मैं गॉडफादर देख के ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन माफिया देख के निकल रहा हूं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है. नहीं, मोस्टली जो देख के निकले वो बोले मुझे ऐसा बनना ही नहीं है. ठीक है ना? So the thing is that it's race against time. Events that happened in one night where some people were playing such a game that everybody got shocked. Like I said in the beginning, बेचारे नए producer, नए director हैं, आप हड़का हड़का के उनसे कुछ अलग ही कहानी निकलवा रहे हैं. वो नहीं है असली कहानी, मैं बताऊंगा आपको. मेरा सवाल इंद्रनील से, मेरा सवाल आपसे है कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, गैंगवाद था, वो खत्म करने के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था. अभी इतना अंडरवर्ल्ड, अभी इतना गैंगवार नहीं है. आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में, पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव सोच रहा है? कैसा है आपका एग्जैक्ट कैसे है ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर? ठीक है, वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है. ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है हर कैरेक्टर, क्या सोच रहा है एक्चुअली, उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म. So, आप प्लीज मूवी देखिएगा इसके लिए. हाँ, मेरा सवाल भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से है, ये फिल्म सेंसर हुई क्या? यू सबसे बेटे है कि यूए थे, कुछ मालूम पड़े सर? यूए 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 थे. ओके, देखिए अच्छी बात है ना, आपका भी आंसर मिल गया होगा प्रभात जी. जिमी सर शाल जी, सर जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही है, बहुत बड़ा चेहरा है लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है, आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए और आपका स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि इसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है. मेरे पास स्क्रिप्टें पड़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट, पहली बार तो नहीं खैर कई बार पहले भी हो चुका, पर बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई, देवनागरी में लिखी हुई आपको मिलती हैं. तो मैंने कहा ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे. क्या ये कौन है? बोले वो ये वही हैं जो 25 रात 30 रात ने इनको ना बोल दी थी. आई से बॉस फोन करो उनको पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है? तो उन्होंने बोला कि नहीं. तो लकीली एंड दैट इज हाउ फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स. वेदर इट्स अ स्मॉल फिल्म और अ बिग फिल्म डजंट मेक अ डिफरेंस बट आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव रेड इन माय एंटायर करियर. Hello, hi sir. This is Shweta, Bollywood Helpline. My question is Shravan sir. हालांकि Bollywood में ऐसी बहुत movie आ चुकी हैं, फिर भी आपके पास तीन faces या बड़ी faces हैं, you know. इस movie में हमें ऐसा क्या as a audience देखने को मिलेगा या फिर चोर पुलिस के ही खेल हमें देखने को मिलेंगे इस movie में? और मैम गालिब का एक quote है ना, अंदाज़े बयान. तो इसका अंदाज़े बयान अलग है. कहानी आप, there is a theory मैम कि आप 49 प्लॉट्स के अलावा कोई कहानी लिखी नहीं सकते हो. देर इज अ थियरी, इंग्लिश में थियरी है. आप कोई भी कहानी लो ना, देर इज ओनली 49 और 48 परमिनेशन कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल. हाँ, लेकिन हर चीज का जो अंदाजे बयान होता है वो अलग होता है. सो इसका अंदाजे बयान अलग है. दैट्स व्हाट आई कैन. आपको नॉर्मल चोर पुलिस प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन, व्हाट यू कॉल प्रेजेंटेशन है. सो इट्स प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट एंड आपको नॉर्मल चोर पुलिस का वो पैकेज लगेगा ही नहीं. मतलब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं.
एक्चुअली कोई पैकेज ही नहीं है, दैट इज जैसे इंद्रनील सर ने कहा ना, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, एवरी कैरेक्टर इज ऑनेस्ट, सो देर इज नो फॉर्मूला. हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया कि हीरोइन चाहिए, दो गाने चाहिए, इतना चाहिए. हमने कुछ वो नहीं कहा कि इनडोर ही होना चाहिए, आउटडोर ही होना चाहिए. हमने ऐसे हैवी डायलॉग्स बाजी भी नहीं लिखी है कि जैसे लिखी जाती थी फिल्मों में. सो इट इज ऑल वेरी ट्रू टू ग्राउंड, ट्रू टू सॉइल, एंड उसका अंदाजे बयान अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है. दिस इज दीपक फ्रॉम लाइव न्यूज नेटवर्क. शरण सर, काफी देर से सुन रहा हूँ जिमी सर से कि नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या सर ये इज इट योर फर्स्ट फिल्म? नो नो सर, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ. आई डन अ फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता अतुल कोड़नी के साथ जो नेटफ्लिक्स में थी, फिर कमाटीपुरा वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है, बट मैं दिखा नहीं ना बहुत, क्या जमीन के अंदर काम करता था. सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ. Actually, every experience was once a beginner. So, for Shravan ji, उन्होंने आगे 706 and कमाटीपुरा की. It's a really fantastic movie. I have just completed a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also a gangster donor. So ये plan कितना पुराना था? ये script लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर. बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, वन लाइनर, एंड आई पिच दैट वन लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है. तो बेसिकली क्या होता है सर कि व्हेनेवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना, ये तो पुराने में होता था. देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना, एक एक जना है और हर एक को इट इज उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है. सो आई थिंक आई रोट इन अराउंड 3 to 4 months मैंने लिखा. वंस ही टोल्ड मी यस कि वी विल बी एबल टू डू इट, सो अराउंड 3-4 महीने में मैंने लिख के आई थिंक फर्स्ट वर्जन को सबमिट किया था. एक और चीज पूछना चाहूंगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर आई डिडंट गेट यू. क्या जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया, या फिर उसके बाद में पढ़ा तो ऐसी ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने यस कहा. आपकी साइड क्या है? नहीं सर, मेरे पास सिंपल मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाफ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू. इट इज सो सिंपल सर, आई डोंट नो. थैंक यू. हाय, जिमी ने स्क्रिप्ट नहीं मना कर दिया था, सर वो तो हमेशा रहता ही है, बट सर समहाउ जिमी सर का जो बिल वो बहुत परफेक्ट है ना, मतलब परफेक्ट इस तरह से वो आदमी गुंडा भी नहीं लगना चाहिए, वो सोबर भी नहीं लगना चाहिए, सो दैट वाई इट इज सो बैलेंस्ड आउट. या हेलो, या दिस इज मिस्टर कीर्ति कदम फ्रॉम सिनेबस्टा. या माय क्वेश्चन इज टू ऑल द 3 एक्टर्स आउट देयर, आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है, और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया आपके कुछ सीन्स विंस करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं. काफी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में, तो जब डायरेक्टर बहुत ज्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहां आसान हो जाता है. एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो. तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था, बिकॉज काफी एडिटिंग का भी खेल है इसमें, तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया, तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए. बाकी मुझे कुछ कहना है, जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा में शूट किया था. सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफी दिनों बाद था, तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तभी, और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे. तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है, इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे. तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस. लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से शूट करना शुरू किया, तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज वर्किंग, मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज ए वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट इज वर्किंग, सो वी विल स्टिक टू दैट. मुझे अच्छा लगा, तो ये हुआ था. इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है, इट विल वर्क. सो ये हुआ था मेरे साथ. नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैं सवाल जवाब पे ज्यादा करता नहीं हूँ. एक बार स्क्रिप्ट में पता लग जाए आपको कि ये आदमी
ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है और ये कहानी जितनी आगे पीछे जा रही है वो सिर्फ उसी को पता होगा कि कौन से शॉट पे, तो हर शॉट से पहले रेफरेंस लेना पड़ता कि इससे पहले ये चीज हम रिवील कर चुके हैं नहीं करी है, तो फिर दैट मींस अभी हमको ये डायलॉग इस हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो सारी चीजों का जो है वो एवरी डे ख्याल रखना, हर सीन में ख्याल रखना, वो उसके लिए इन्हीं के ऊपर रिलाई कर सकता था आदमी और कुछ नहीं कर सकते थे।